সর্বসিদ্ধি হইবে তোমার, অহর্নিশি জপ ইথে বিধি নাহি আর। ইসমে সে আপকো সারি সিদ্ধিয়া প্রাপ্ত হোগা। তো এক ভক্ত কো জব জপ করতে হ্যাঁ তো বহুত ফেথফুলি জপ করনা চাহিয়ে। When he was chanting, he should chant with complete faith on the holy name. Holy name is not different from Krishna. And by chanting the holy name, one can develop love for Krishna. ये विश्वास के साथ जाप करना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। तो नाम से संपूर्ण प्रगति हो सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है नाम जाप करने के द्वारा ही। तो इस विश्वास के साथ नाम भगवान अभिन्न, इस विश्वास के साथ भगवान के नाम की आश्रय लेना चाहिए। सो दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन यू आर चैंटिंग वी शुड चैंट अवॉइडिंग 10 ऑफेंसेस। भगवान के नाम जप करने की 10 विध अपराध है। तो इस 10 अपराध मुक्त होके एक व्यक्ति को जप करना चाहिए। तो जितने मोर वी चैंट विदाउट ऑफेंस, मोर वी बिकम फ्री फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द सिन, एंड मोर वी चैंट इन दैट प्लेटफॉर्म, मोर वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द लव फॉर कृष्णा। मोर द रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ द सिनफुल एक्टिविटीज विल बी इराडिकेटेड फ्रॉम आवर हार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, मोर यू will experience your loving relationship with the Supreme Personality of Godhead. So, तो इसलिए अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। तो अपराध शून्य होके जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो नाम के जो इफेक्ट हैं वो बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनको 10 अपराध से बचना चाहिए। तो 10 अपराध के मुख्य 2 अपराध हैं। एक है पहला अपराध blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. So this is the main offense. क्योंकि भगवान के भक्त लोग भगवान के नाम के प्रचार के लिए अपने जीवन समर्पित किए हैं, ऐसे भक्तों की चरणों में अपराध करना नाम के चरणों में अपराध है। क्योंकि भगवान के नाम भगवान के भक्तों के द्वारा दूसरे के पास जाते हैं, तो इसलिए ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करना, निंदा करना नाम अपराध है। तो जब कोई वैष्णव अपराध करते तो नाम में रुचि कम हो जाता है और हृदय में अलग अलग प्रकार के भोग वासना उत्पन्न होता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड वैष्णव अपराध। इन द अदर वर्ड, वी शुड ट्राई टू सर्व द वैष्णवस। चैतन्य महाप्रभु कहते नामे रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवन इहा बिना धर्म नाही सुनो सनातन। सो मोर वी सर्व द वैष्णवस और मोर यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग द वैष्णवस, मोर यू गेट टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। तो सकोले सम्मान करिते सकोति देहनाथ जथा जथो, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हातो। तो इधर
भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके सबको सम्मान करने की शक्ति दीजिए, और उसके द्वारा ही मैं नाम जप ठीक से कर पाऊंगा। तो तब मैं नाम जप बहुत आनंद से, सुख से ले पाऊंगा। तो इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो होते हैं केवल भगवान को सम्मान करते हैं, भक्त को सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन उससे प्रगतिशील भक्त जो है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्त जो है, भगवान को जिस प्रकार सम्मान करते, भगवान के शुद्ध भक्त गुरुदेव या अलग दूसरे वैष्णवों को हाँ उतना ही सम्मान करते हैं। भगवान के भक्त भगवान के प्रिय होते हैं, और इसीलिए भगवान के प्रिय होते हैं, और इसीलिए भगवान के भक्तों को अगर हम लोग सम्मान नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते, प्रेम नहीं करते, इसका मतलब है हमें भगवान के प्रति भी प्रेम नहीं है। तो अक्सर हम लोग भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के संग में हम लोग ईर्ष्या करते हैं, भक्तों के संग में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, भक्तों को हम लोग टांग खींचते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमें नाम जप जप में रुचि चला जाता है। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण है, वी शुड ट्राई टू सर्व द वैष्णवाज, रेस्पेक्टिंग द वैष्णवाज एंड अवॉइड ऑफेंसेस। अनदर इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस सेवेंथ ऑफेंस, नाम के बल पे पाप आचरण करते हैं। कोई व्यक्ति जो जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो ये जो 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 चार प्रकार के पाप हैं, जो जो धर्म के जो स्तंभ हैं उसको तोड़ देते हैं, सत्य दया तपो शौच, ये चार स्तंभ टूट जाता है इस ये चार प्रकार के एक्टिविटीज करने से। तो कोई व्यक्ति सोचते हैं कि मैं हरि नाम करूंगा और इसके द्वारा पाप से मुक्त हो जाऊंगा, और फिर पाप कार्य करते हैं। जैसे बहुत बार भौतिकवादी व्यक्ति लोग क्या करते हैं, वो लोग पाप कर्म करते हैं और फिर अलग अलग तीर्थ में जाते हैं, गंगा सागर, कुंभ मेला में जाते हैं, और उधर जाके डुबकी लगा के आते हैं कि नहीं, पाप से मैं मुक्त हो गया गंगा स्नान करके, तीर्थ भ्रमण करके, और फिर वापस घर में आके दोबारा वो इसी प्रकार के पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कभी कभी मतलब पाप करते और पाप का प्रायश्चित्त करते हैं। तो प्रायश्चित्त करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा में नहा के, मतलब इसको हस्ती स्नान के साथ तुलना किया गया है, हस्ती हाथी जो होता है तालाब में नहाते हैं और फिर तालाब से निकलने के बाद फिर दोबारा अपने शरीर में धूल धूल लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें नाम के बल पे पाप करने से पाप से मुक्त नहीं होते हैं। तो प्रायश्चित्त करने से फायदा नहीं होता है, थोड़ा बहुत फायदा होता है। लेकिन जब तक पाप करने की आदत जो है, पाप करने की जो इच्छा है, उससे हम लोग मुक्त नहीं होंगे, तो कृष्ण नाम के रस जो है, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पाप आचरण जो होता है उसको बंद करना चाहिए। अगर हम लोग नाम के फल जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, नाम का जो फल है, जो प्रेमा है, हाँ जो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं 99.99% प्रोग्रेस, तो दैट प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हरि बोल, अमित प्रभु की जय। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस हम लोग अनुभव कर सकते हैं जब इस चार नियमों का पालन करते हुए हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। तो इस प्रकार 10 विध नाम अपराध है, नाम अपराध के
मुख्य पहला और सातवां है जो हमने आपको बताया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी दूसरे क्लासेस में। तो जब हम लोग अपराध शून्य होके, अपराध से अपराध को अवॉइड करके भगवान के नाम का जप करते, को नाम का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। नाम का फल, नाम जप करके उनको दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। तो अभी ये जो 10 अपराध हैं, 10 अपराध के बाद एक 11th ऑफेंस है, 11 अपराध, वो है इन अटेंटिव चैंटिंग। तो इन अटेंटिव चैंटिंग मतलब ध्यान पूर्वक नहीं जप करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो इन अटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल 10 ऑफेंसेस। तो अगर कोई ध्यान पूर्वक जप करने की प्रयास नहीं करते हैं, या बहुत नेग्लेक्टफुली चैंटिंग करते हैं, या उसको तो फायदा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस इन अटेंटिव चैंटिंग से 10 विद्य जो नाम अपराध है वो करने की टेंडेंसी बढ़ता है। तो इन अटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ 10 ऑफेंसेस, एंड देयर फॉर इफ यू स्टॉप इन अटेंटिव चैंटिंग देन यू कैन स्टॉप 10 ऑफेंसेस। तो जब हम लोग नाम जप के समय कैजुअल रहते हैं, जप करते हुए बातें करते हैं, जप करते हुए सोए रहते हैं, जप करते करते हम लोग अलग चीज देखते रहते हैं, मोबाइल फोन में, टीवी में, अलग अलग जगह में, तो दिस इज इन अटेंटिव चैंटिंग। तो इसमें से क्या होता है कि वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग द होली नेम। भगवान उनके नाम के रूप में मौजूद हैं, बट वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग द सुप्रीम पर्सन गॉड हु अपीयर इन द फॉर्म ऑफ होली नेम। इसका दूसरा अर्थ है कि हम लोग जब जप कर रहे हैं, वी डोंट हैव फुल फेथ दैट भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, इसके ऊपर पूरे विश्वास नहीं है, और इसीलिए जब जप कर रहे हैं भगवान के नाम पे हम लोग अटेंशन नहीं दे रहे हैं। सपोज आपके सामने अगर बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाता है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ, और हाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं, या सबसे बड़े क्रिकेटर आ जाते हैं, हाँ, तब क्या करेंगे? हाँ, आपका अटेंशन जाएगा दूसरे जगह में? नहीं जाएगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से आप अटेंशन नहीं, अरे बाप रे, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाँ मेरे पास आए हैं। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान अगर सामने आ जाते हैं, भगवान अगर अनाम के रूप में आए हैं, तो हमें कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए? तो हमें पूरे सम्मान के साथ, अटेंशन के साथ हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ है कि वी आर कॉलिंग कृष्णा, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस, कृष्णा प्लीज कम एंटर इन टू माई हार्ट एंड टेक सीट ऑन द ऑल्टर ऑफ माई हार्ट। हाँ, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आप विराज करिए। अभी रथ यात्रा होने जा रहा है, तो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ पुरी से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और गुंडीचा मंदिर जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर का मार्जन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज शाम को चर्चा करेंगे सीनियर बैच के क्लास में। तो अलग अलग प्रकार से धूल को, बालू को, कंकर को सब अच्छे से साफ करते हैं, पानी से बहुत अच्छे से धोते हैं, बहुत शुद्ध और पवित्र शीतल बनाते हैं, क्योंकि भगवान उस स्थान में विराज करेंगे। उसी प्रकार हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा हुआ है। वी आर सफरिंग, वी आर स्टेइंग विद देम,
We are staying with our lusty desire. We are staying with anger, greed, envy. And thus we are suffering within and without. So unless we invite the Lord within our heart, हृदय में जब कृष्ण को नहीं बुलाएंगे, ये हृदय से सारे गंदगी, सारे अग्नि जो है, भव महादाबाग्नि निर्वापनम, भव महादाबाग्नि निकलेगा नहीं। तो ना भगवान को बुलाने के लिए भगवान को बहुत श्रद्धा से, हृदय से, genuinely we should cry, genuinely we should call। एक व्यक्ति, हाँ, उनके रिलेटिव को इनवाइट किया अपने घर में, तो घर में इनवाइट किया तो आदमी, हाँ, उनके घर में आए, तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनके घर में आए तो आके देखा, तो आके नॉक कर रहा है कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, हाँ, मैं आया हूं। लेकिन क्या है, वो व्यक्ति दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आदमी क्या सोच रहा है, अरे मेरे को बुलाया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, वो आदमी जो है अंदर में बहुत बिजी है, अलग अलग काम में व्यस्त हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, अपना कपड़ा धो रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, तो अपने काम में बिजी है, एंड इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू द पर्सन। तो आदमी बहुत दुखी हो गया कि मेरे को बुलाया, मैंने इतना दूर से आया, और अभी मेरे को क्या बोल रहे हैं, वेलकम नहीं कर रहे हैं। तो उनको बहुत खराब लगा, तो वो क्या करे, छोड़, वो वापस चला गया। तो उसी प्रकार जब हम लोग जॉब करते हैं, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एंड स्पिरिचुअली एब्सेंट, वी आर सिटिंग एंड फिजिकली वी आर प्रेजेंट टेकिंग बीट्स ऑफ होली नेम, बट विद द माइंड वी आर समवेयर एल्स, वी आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, दूसरे किसी के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, एंड यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू द होली नेम, यू आर नॉट वेलकमिंग द लॉर्ड इन आवर लाइफ। तो क्योंकि हम भगवान के नाम जो स्वयं भगवान है, इसके ऊपर पूरे विश्वास नहीं है, और इसीलिए जप करते हुए जस्ट रिचुअलिस्टिक वे में जप करते हैं, बट एक्चुअली चैंटिंग इज अवर कॉल फॉर कृष्णा, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृष्णा आई एम ए रिटर्नल सर्वेंट, ओई नंद तनुजो किंकरं पतितांग मांग विषमे भवाम बुधो, हे कृष्ण करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के सागर में मैं भटक रहा हूं, आपके चरणों से बहुत दूर हूं मैं, पतितांग मांग विषमे भवाम बुधो, भव सागर में गिर गया हूं, कृपया तब पाद पंकज, इसलिए कृपा करके आपके चरणों की धूल के रूप में मेरे को स्वीकार करिए। सो विद दैट जेन्युइनली वी शुड क्राई, गुरु महाराज का लेक्चर है, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्राई फॉर कृष्णा देन यू शुड क्राई दैट वी आर नॉट एबल टू क्राई फॉर कृष्णा। सो दिस शुड बी द मूड, we should think that why I am not able to chant genuinely, why I am not able to chant sincerely. So Krishna to hamare hriday mein baithe hue hain, jab mummy kaam karti hai, bachcha bolte hai ki hame god mein uthaiye, to mummy kehta theek hai, to laddu le lo, lollipop le lo, cadbury le lo, to bachcha chala jata hai। तो जब तक ये बच्चा सच में ही भगवान के लिए जप नहीं करेगा, भगवान के आश्रय नहीं लेगा, भगवान उसको, माँ उसको गोद में नहीं उठाते हैं, बच्चे को गोद में नहीं उठाते हैं, उसी प्रकार जब तक हम लोग सिंसियरली जेन्युइनली जप नहीं करेंगे, अटेंटिवली भगवान के आश्रय नहीं लेंगे, तो तब तक हमें हमारे हृदय के जो जो कलमश है वो हटेगा नहीं, और भगवान हमारे हृदय में बास नहीं करेंगे। तो इसलिए जब करने के समय हमें बहुत अटेंटिवली एंड अटेंशन एंड एटीट्यूड विद द डिवोशनल एटीट्यूड विद द सर्विस एटीट्यूड
विथ लविंग एटीट्यूड हमें जप करना चाहिए। तो जितना हम लोग अटेंटिवली जप करेंगे उतना नाम अपराध के जो प्रभाव है, नाम अपराध के टेंडेंसी है, खत्म हो जाएगा। और जितना खत्म हो जाएगा उतना ही नाम के इफेक्ट जो है प्रेमा, वो आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके चेतना में प्रकट होने लगा लगेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर चैंटिंग वी शुड नॉट जस्ट फिजिकली प्रेजेंट एंड स्पिरिचुअली मेंटली एब्सेंट। तो हमें बहुत अटेंटिवली भगवान के नाम को सुनना चाहिए। नाम भगवान से अभिन्न है, इस चेतना से, इस विश्वास के साथ हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। और इसके द्वारा आप नाम की महिमा को भगवान अपने हृदय में प्रकाश करेंगे और आपको भगवान के दिव्य आनंद का, भगवान के दिव्य सान्निध्य का अनुभव होगा। और उस नाम के प्रभाव से आपके हृदय में जितने भी मैटेरियल इफेक्ट है, मैटेरियल इफेक्ट विल गो अवे बाय द स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ द होली नेम, बिकॉज होली नेम इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। और जप करने के द्वारा जितने भी पाप करने की जो असर है, केवल इफेक्ट नहीं, रिएक्शन नहीं, पाप करने की इच्छा चला जाता है और भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाता है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो हो उदाय, नित्य सिद्धो कृष्ण प्रेम साधो को बुनाए। तो भगवान के प्रति जो प्रेम हमारे हृदय में है ऑलरेडी, तो उसका उदय होता है भगवान के नाम का जप करने से। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे और लक्ष्य हीरा आया था, हाँ, रामचंद्र खान के आदेश से हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, दीप तन्मय होके भगवान के नाम में डूब के भगवान की आश्रय में जप कर रहे थे। और उसको देख के लक्ष्य हीरे की हृदय परिवर्तन हो गया। और फिर लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर को कहा के हैं, हरिदास ठाकुर मैं बहुत पतित हूं, आई एम ए प्रोस्टिट्यूट एंड आई हैव परफॉर्म सो मेनी सिनफुल एक्टिविटीज, हाउ कैन आई डिलीवर फ्रॉम दैट। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपके जो जितने भी सिनफुल प्रॉपर्टी है जिसने आपने कमाया है, उसको वैष्णवों को, ब्राह्मणों को बांट दीजिए और आप गंगा में नहा के इस स्थान पे आ जाइए और इधर तुलसी महारानी का स्थापन करिए, तुलसी महारानी का परिक्रमा करिए, सेवा करिए और हरिनाम का जप करिए। हरिनाम के आश्रय से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। और फिर लक्ष्य हीरा उस स्थान पे आके तुलसी महारानी का सेवा करने लगी, तुलसी महारानी का परिक्रमा करने लगे और 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 नाम, हाँ, पूरे दिन नाम जप करने लगे। तो बहुत कम खाती थी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम, हाँ, हरिदास ठाकुर के चरण चिन्हों के अनुगमन करते हुए एक वेश्या जो थी वो भी भगवान 3 लाख नाम जप करने लगे। और फिर हरिनाम के प्रभाव से, हाँ, हरिनाम के प्रभाव से, तुलसी महारानी का सेवा करने के प्रभाव से और हरिदास ठाकुर जैसे गुरु के आज्ञा पालन करने के प्रभाव से उनके सारे इंद्रिय संयम हो गए और उनके हृदय से सारे पाप कर्म के फल खत्म हो गया और प्रेम के जो सिम्टम है प्रकट होने लगा। और लक्ष्य हीरा भगवान के नाम का जप करते हुए दिव्य प्रेम में अश्रु धारा बहाने लगे। और ये देख के कि ऐसे वेश्या भी भगवान के महान भक्त बन गए, आसपास के गांव के लोग आए देखने के लिए लक्ष्य हीरा को। और फिर वो लोग लक्ष्य हीरा को प्रणाम निवेदन करने लगे। तो इस प्रकार नाम के बहुत ही शक्ति है, बट वी हैव टू चैंट विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू चैंट विथ फेथ, वी हैव टू चैंट विद द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, वी हैव टू चैंट विद अटेंशन, अवॉइडिंग inattentive chanting, and we have to chant avoiding 10 offenses. And by doing that very quickly you can experience the joy of Krishna consciousness. You can experience your loving relationship with Krishna, which is transcendental to this material world, which can satisfy the heart fully.
तो आइए हम लोग, हाँ आज द्वादशी है, एकादशी के अगले दिन हम लोग भगवान के नाम बहुत अच्छे से जप करते हैं और इस भक्तों के संग में भगवान के नाम जप करने का पूर्ण फायदा उठाते हैं। तो हम लोग 6:40 तक, 7:40 तक चैंटिंग करेंगे 1 आवर। 7:40 विल बी हैविंग सम अनाउंसमेंट एंड 7:45 यू कैन लीव। ओके, हरे कृष्णा।